नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। आदिलपुरा उतावली में रहने वाले 18 साल के एक युवक की उद्योग नगर में हाईटेंशन लाइन से टकराने के कारण करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल युवक लकड़ी से भरे ट्रक से रस्सी खोलने के लिए ट्रक पर चढ़ा हुआ था और इसी बीच वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बुरहानपुर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्षेत्र के रहवासी शेख हबीब के अनुसार आदिलपुरा उतावली क्षेत्र निवासी मुजाजिब ट्रक पर चलता था। गुरुवार सुबह वह लकड़ी से भरे ट्रक से लकड़ी उतारने के लिए रस्सी खोलने चढ़ा हुआ था। इस दौरान उसे करंट लगा। सूचना मिलने पर रहवासी रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। हादसा उद्योग नगर में गोपाल मिडवे के पीछे एक फैक्ट्री के पास हुआ। शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। गणपति नाका थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुरहानपुर से राजबीर सिंह की रिपोर्ट। आपने उसको रस्सी के लिए ऊपर चढ़ने के लिए बोला, छोकरा चढ़ा ऊपर जल खोलने के लिए, ऊपर करंट लग गया उसको गाड़ी पे, मतलब वो रेड हो गई उसकी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख यूसुफ है। ये हादसा कहाँ पे हुआ? ये अपने मिजियों के पीछे शहीद हॉस्पिटल के पास। ये ड्राइवर का नाम क्या है? मेहरुद्दीन। मेहरुद्दीन। और आप कौन हो उनके? चाचा हूँ लड़के का, जिसकी रेड हुई। लड़के का नाम क्या था? मुजाहिद खान। कैसे क्या हादसा हुआ? ये क्या है? ये हादसा हुआ, हमारा उतावली का बच्चा है और ये हादसा ट्रक के ऊपर हुआ है, लकड़ी के ट्रक पे कंडक्टर ही करता था बच्चा। और ये गोकुल मिडवे के पीछे आरआर फैक्ट्री है, इसके बाजू में लकड़ी खाली हो रही थी, तो ऊपर बच्चा रस्सी खोलने के लिए चढ़ा था, तार से टच हो गया, इसलिए बच्चे का दुर्घटना हो गई। बच्चे का साथ क्या नाम था बच्चे का? मुजाहिद नाम था। पिता यू उतावली का बच्चा, ताके रहवासी थे आदिलपुर उतावली।